दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाने वाला है। अगर दोस्तों आपका बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट है, 20,000 के अराउंड आपका बजट है, आपको अच्छी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी परचेस करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ख़ास भी है। दोस्तों रियलमी लेके आया अपनी नई एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, जिसकी प्राइस रेंज आपको बिलो 20,000 से भी नीचे आपको देखने को मिलती है, और जिसमें प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी क्लियर आपको स्पेक्स आपको देखने को मिलती है, जैसे आपको क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मेरे मानने में से ये टीवी 20,000 के अराउंड एक वैल्यू फॉर मनी है। अगर दोस्तों आप एक स्मार्ट टीवी परचेस करने की सोच रहे हो, आपका बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो आप इस टीवी को चेकआउट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी की तरफ से आने वाला स्मार्ट टीवी के बारे में, क्या क्या इसमें आपको स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, और वीडियो में आगे बताऊंगा आपको ये टीवी परचेस करना चाहिए इस बजट में, आपको दूसरे ब्रांड की तरफ जाना चाहिए जैसे TCL और सैमसंग वगैरह। तो वीडियो बहुत दोस्तों इंटरेस्टिंग है, खास भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहा हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए जैसे कि हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहल परिहार, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोहल परिहार MGT में, लेके आया हूं बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारी रियलमी की तरफ से स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी आती है, जो आती है रियलमी 32 इंच स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस टीवी के बारे में, इसके डिस्प्ले साइज़ के बारे में। तो इसमें आपको 32 इंच का आपको LED का डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ में आपको FHD आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलती है, तो आप 1080 पिक्सल में आप वीडियोज़ भी चला सकते हो, साथ में आपको क्रोमा बूस्ट भी आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों इस टीवी के आपको काफ़ी पतले आपको बेजल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है, और साथ में आपको 60Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इस टीवी के इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको मीडिया टेक का आपको क्वाड कोर का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको 1GB की आपको रैम आपको देखने को मिलती है, DDR3 की आपको रैम टाइप आपको देखने को मिलती है, और 8GB की आपको इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इस टीवी के इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आपको एंड्रॉयड का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जो कि बेस है वर्जन 9.0, और साथ में आपको गूगल असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं इस टीवी के सबसे ज़्यादा मेन पिलर के बारे में, इसके ऑडियो आउटपुट के बारे में, तो इसमें आपको 24 वोल्ट्स की आपको क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं इस प्राइस रेंज में। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी आपको 24 वोल्ट्स के आपको स्पीकर आपको देखने को मिले, जो कि ट्यून्ड है डॉल्बी ऑडियो को, तो आपको ऑडियो में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आने वाला है। और एक चीज़ बताऊँ दोस्तों आपको मज़े वाली, इस टीवी में आपको OTT एप्स आपको देखने को मिलते हैं इनबिल्ड, जैसे आपको यूट्यूब आपको देखने को मिल जाता है, नेटफ्लिक्स आपको देखने को मिल जाता है, प्राइम वीडियो आपको देखने को मिल जाता है, डिज्नी प्लस आपको हॉटस्टार भी आपको देखने को मिलता है, और प्ले स्टोर में दोस्तों आपको 5,000 से ज़्यादा आपको टीवी एप्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ ऐप्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। बात करते हैं इस टीवी के इसके कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन आपको 4.0 आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको वाईफाई भी आपको देखने को मिलता है, जो कि सपोर्ट है 2.4 GHz। बात करते हैं इस टीवी के इसके मेन फीचर्स के बारे में, मेन हाइलाइट्स के बारे में, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। और दोस्तों टीवी को परचेस करते हो तो आपको पता भी होना जरूरी है, सबसे पहले इस टीवी में आपको क्रोमा बूस्ट आपको देखने को मिल जाता है, साथ में आपको काफ़ी पतले आपको बेजल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, FHD+ का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, 24 वोल्ट्स के आपको क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हैं, तब भी दोस्तों आपको इस टीवी में आपको देखने को मिलते हैं, साथ में आपको डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, साथ में आपको गूगल असिस्टेंट भी आपको देखने को मिल जाता है, क्रोमा कास्ट भी आपको देखने को मिल जाता है इनेबल, जिससे आप मोबाइल की वीडियोस आप टीवी में आप चला भी सकते हो, साथ में आपको OTT प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे YouTube, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको मीडिया टेक क्वाड कोर का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, 1GB की रैम और 8GB की आपको इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यही थे इसको कुछ मेन फीचर या मेन हाईलाइट जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस टीवी में। अगर दोस्तों इस टीवी की मैं प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ, तो इस टीवी की प्राइस आपको 70,999 इस टीवी की प्राइस है, और लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो ये टीवी अपने इंडिया में लॉन्च हो गई है। दोस्तों प्राइस रेंज को देखते हुए स्मार्ट टीवी की प्राइस आपको 20,000 से नीचे, काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलती है, जिसमें
इसमें आपको काफ़ी क्लियर आपको स्पेक्स भी आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं दोस्तों कॉन्क्लूजन, माय ओपिनियन, ये टीवी आपको परचेज करनी चाहिए कि नहीं, आपको 20,000 के रेंज में आपको दूसरे ब्रांड की तरफ आपको जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इस टीवी में आपको जिस प्राइस रेंज में आपको स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, मेरे को नहीं लग रहा इस प्राइस रेंज में आपको किसी भी स्मार्ट टीवी में आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप सैमसंग में जाओ, चाहे आप एलजी में जाओ, चाहे आप कोटक में जाओ, चाहे आप टीसीएल में जाओ। तो मेरे मानने में तो ये टीवी 20,000 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी है और वैल्यू फॉर मनी भी, क्योंकि साथ में आपको तो काफ़ी पतले आपको बेजल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्रोमा कास्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, क्रोमा बूस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 1 GB की रैम और 8 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है और मीडिया टेक का आपको क्वाड कोर का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, 60Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है और मेन बात टीवी में आपको 24 वोल्ट्स के आपको क्वाड क्यूर स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे मानने में दोस्तों ये टीवी 20,000 की रेंज में कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी है। और दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप अपने बजट को थोड़ा बहुत ऊपर ले आ सकते हो 22,000-23,000 तो उस बजट रेंज में आपको 4K टीवी मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा आप अपने बजट को थोड़ा ऊपर ले आ सकते हो तो आप 4K टीवी को जरूर से ट्राई करो, क्योंकि 4K टीवी में आपको फुल रेजुलेशन में आप 4K रेजुलेशन में आप वीडियोस को भी चला सकते हो। अगर दोस्तों आप 4K टीवी को परचेस करना चाहते हो या 4K टीवीज के बारे में जानना चाहते हो तो 4K टीवी के ऊपर मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है 25,000 के अंदर बेस्ट 4K टीवी, लिंक आपको दोस्तों आई कार्ड पर मिल जाएगी या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रूर से जाके देखना। अगर दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है रियलमी की तरफ से आने वाला टीवी के बारे में या और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर दोस्तों टीवी को परचेस करना चाहते हो और भी जानकारी लेना चाहते हो तो स्मार्ट टीवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो और परचेस भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों हम डेली रोज वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स भी करते हैं सिर्फ दोस्तों आपके लिए। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।